गाइस ये गाड़ियाँ देखो यहाँ पर, ये टेस्ला देखो। सो गाइस आज हम आए हैं यहाँ पर ड्राइविंग ड्राइवर्स लाइसेंस के पास। क्यों आए हैं थोड़े टाइम के बाद आपको बताते हैं। सो गुड आफ्टरनून गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज सुबह की शुरुआत ना हमारी जल्दी हो गई थी, बहुत सुबह मैं जल्दी जल्दी में निकला था, इसके लिए मैं घर से व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी में था और जल्दी इस बात की थी ना। तो बेसिकली अगर आप कनाडा आते हो या वैनकूवर आते हो तो मैं बात कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर प्रोविंस की, तो ये कनाडा में सब जगह होता है और US में भी होता था। US में हमारे पास स्टेट ID थी जो कि अब आप कहाँ पर भी US लोकली आप ट्रैवल कर सकते हो। तो कनाडा में आने के बाद भी, वैनकूवर में भी आने के बाद भी, तो बेसिकली वैनकूवर एक ब्रिटिश कोलंबिया का प्रोविंस आता है, इसमें बनता है आपकी BC ID, तो ब्रिटिश कोलंबिया आइडेंटिटी कार्ड। बेसिकली ये कार्ड इसके लिए होता है जैसे अपना आधार कार्ड वगैरह होता है ना, नॉर्मल एक छोटा सा डॉक्यूमेंट। तो अभी मैं यहाँ पर हूँ तो ऑब्वियसली मैं सब जगह पासपोर्ट तो लेकर नहीं घूम सकता, राइट? कभी पासपोर्ट गुम हो गया, कुछ हो गया और हर जगह मैं पासपोर्ट दिखा नहीं सकता, इसके लिए यहाँ पर बनता है BC ID। अगर आप वो कार्ड आपके पास है तो यहाँ पर आप लोकली कहीं पर भी घूम सकते हो। जैसे बदलता है कि आप लोकल हो तो कहाँ पर भी अगर किसी ने भी पूछा कुछ भी होता है तो आपके पास एटलीस्ट एक प्रूफ रहता है आपके जेब में हमेशा कि भाई आपका एड्रेस ये है, आपको इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। और अगर नहीं है तो कहाँ पर भी अगर आपको आईडी कार्ड पूछ सकते हैं तो आप वो चीज़ दिखा सकते हो, राइट? कभी पुलिस ने रुका दिया है, किसी ने भी रुका दिया तो आप वो दिखा सकते हो। फॉर अ सेफ्टी BC ID इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये BC ID हो गया और हम लोग सुबह सुबह इसके लिए जल्दी निकले क्योंकि मेरा 9 बजे का अपॉइंटमेंट था, भावना का 9 बजे का अपॉइंटमेंट था, मेरा 9:20 का अपॉइंटमेंट था। तो फटाफट हम लोग निकले, बस पकड़ा, फिर डायरेक्टली हम लोग जहाँ पर था उधर गए। तो बेसिकली ये होता है ICBC के काउंटर पे, तो इसमें बेसिकली आप अपना ब्रिटिश कोलंबिया का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो भी बना सकते हो और अपना ड्राइवर्स लाइसेंस भी बना सकते हो। इसमें अपना BC ID बन चुका है और उसके बाद हम लोग ने सोचा कि आज हम लोग BC ID बनाने जा ही रहे हैं डाउनटाउन। तो बेसिकली हम लोग अभी डाउनटाउन में आए, तो डाउनटाउन में मैं सोचा कि चलो थोड़े रूम्स वगैरह भी देख कर आते। एक दो हम लोग ने रूम्स देखे, इतना ज़्यादा पसंद नहीं आए हमको और बहुत छोटे छोटे रूम्स थे और काफ़ी महंगे भी थे। तो अभी हम लोग इधर ना, बेसिकली आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स लेकर आना पड़ता है, अपॉइंटमेंट तो ले लिया है, अभी 4 बजे का दूसरा अपॉइंटमेंट है। तो हम लोग ने बोला तब तक क्या करते, तो हम लोग सोचे कि चलो बीच के पास आ जाते हैं, समुंदर के नज़दीक आ जाते हैं। और ये देखो पीछे से क्या ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है, आज क्लाइमेट बहुत ज़्यादा अच्छा है और लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए नॉर्मल कपड़े में घूम रहे मस्त अपने, धूप निकली है ना आज तो सब यहाँ पर धूप देखकर खुश हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं फुल। पहाड़ों में बर्फ है, बादल है। चलो आपको ना ये भी दिखाई देते हैं, मैं आगे जाता हूँ, आप लोग सब रहा व्यू के मजे लो एंड फिर आगे बातें कंटिन्यू करते हैं। देखो क्या मस्त लोग चला रहे इधर साइकिल। ये देखो गाइस वो अंकल अभी बॉल फेंकेंगे वहां से। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत लोग वॉक कर रहे हैं, तो मैंने भी सोचा चलो इतना अच्छा नेचर है, मैं भी थोड़ा वॉक कर लेता हूँ, आप लोगों के साथ भी थोड़ा वॉक एंड टॉक कर लेता हूँ। और पता नहीं यहाँ पर ना, अभी देखा आपने थोड़े टाइम पहले ना, धूप थी बहुत ज़्यादा और अचानक से देखो क्लाइमेट चेंज, 2 सेकेंड में क्लाइमेट चेंज हो जाता है। अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी और वो साइड बारिश हो भी रही है, इसलिए मैं लकीली ना ये रेन कीटर भी साथ में लेकर आया था, मैंने ऊपर से डाल दिया। और क्या हो रहा है ना, इससे ना हवा भी अंदर पास नहीं होती, ये प्लेन का बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है, जाएगी ना टेक ऑफ लेगी फिर बात करते हैं। ये देखो ये सी प्लेन हम यहाँ से टेक ऑफ लेगी और कितनी सारी खड़ी देखो लाइन में, यह हवे से चल रहा है। क्रूज को तो देख लिया, अभी प्लेन को भी देख लो, मतलब रस्सी बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस लाइफ में, रस्सी लेके रखो किसी भी चीज़ के लिए। ये अभी टेक ऑफ ले रही है यहाँ से और वो लैंड कर रही है वहाँ पर। सो गाइस अभी हम लोग घूमते घूमते वो प्लेन की ना बहुत ज़ोरों की आवाज़ आ रही थी,
तो प्लेन का आवाज़ आता है ना तो वीडियोस में आवाज़ अच्छा नहीं आएगा, इसलिए मैंने स्टॉप कर लिया था। और अभी हम लोग थोड़ा आगे आ गए। क्रूज़ देखो क्या क्रूज़ खड़ी है इधर, और वहाँ पर देखो कंटेनर की शिप, और यहाँ पर सारे क्रूज़ रुकते, मस्त लग रहा है। ये देखो गाइस जो मैं आपको बोल रहा था ना, ये तो और मस्त लग रही है यार। गाइज यहाँ से देखो क्या मस्त लग रहा है, ये एकदम ऐसा सीनरी लग रहा है ना, फुल बिल्डिंग, नीचे ओशन, ऊपर माउंटेन्स, प्लेन, सब कुछ यहाँ पर। लेकिन पता नहीं यार कैमरा इतना अच्छे से बता पाएगा या नहीं, लेकिन आंखें जो बता रही है ना वो कमाल की चीज़ लग रही है। ये जो तो आंखें बता रही है ना वो सिर्फ मैं बता सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी हम लोग मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम लोग अपार्टमेंट हंटिंग के लिए निकले, तो यहाँ पर आके थोड़ा बैठ गए थे, आराम किया। और हम लोग का अभी अपॉइंटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली अगर आपको अपार्टमेंट्स में देखने जाना है तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं। तो अभी हम लोग का 4 o'clock का अपॉइंटमेंट है, तो यहाँ से अभी जाने के लिए हाफ एन आवर लगेगा। वॉक करते करते जाते देखते अपार्टमेंट देख कर आते। तो गाइस चलते चलते बहुत भूख लगी थी, इसलिए कुछ खाने के लिए आ जाते। चलो अभी खाते पिज़्ज़ा और फिर आपको मिलते। तो गाइज अभी हम लोग खा पी कर निकल चुके हैं, और अभी हम लोग, मैं आपको बोल रहा था ना कि हम लोग अपार्टमेंट देखने के लिए जा रहे हैं, तो अभी हम लोग अपार्टमेंट देखने के लिए, हम लोग का 4 बजे का अपॉइंटमेंट था, तो हमने खा पी भी लिया और अभी वेट करके देखते हैं। यहाँ पर 4 o'clock का अपॉइंटमेंट बोला है और अभी हो रहे हैं 3:40, तो अपन जल्दी आए तो अभी इधर कुछ फ़ायदा नहीं है, रुकना ही पड़ेगा। तो रुकते थोड़े टाइम के बाद और देखते फिर क्या होता है। कनाडा का सबसे फेवरेट तो लोग होगा दादारामा। तो गाइज अभी हम लोग का रूम्स वगैरह देखकर हो चुका है, और अभी हम लोग थोड़ा ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, घर पे कुछ सामान कम है तो वो सब भरने जा रहे हैं। और देखते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि एक इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है, वहाँ पर सब कुछ मिलता है, तो लेट्स सी, जाकर एक्सप्लोर करते हैं, आज फर्स्ट टाइम जा रहे हैं वहाँ पर। ये देखो भाई शॉपिंग करना है, इधर दाल वील सब कुछ है, तो पूरा इंडियन मार्ट है, MDH वगैरह सब कुछ है, एवरेस्ट का तीखा लाल। ये देखो गाइस यहाँ पर सारी दाल वगैरह सब मिल रहे, टेंशन की बात ही नहीं है। ये लो भाई इधर कपड़े बिपड़े सब लगे हुए, ये देखो भाई $20 के। सो गाइस फाइनली मैं घर पर आ चुका हूँ, और हाथों में ना सामान बहुत ज्यादा था, इसलिए ब्लॉग वीडियोस बनाना नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाए। हम लोग ने सामान वामान खरीद लिया, अब घर आ गए, चेंज वेंज कर लिया, फ्रेश हो गया हूँ। बस इस ब्लॉग को करते यहीं पर एंड, मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग पर। और देखो क्या क्लाइमेट हो रहा है शाम के वक्त, तो मिलते हैं आपको न्यू ब्लॉग पे, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।